हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 13वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो जुलाई में होने वाली सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा हमारी वीडियो पर किया गया लाइक, कमेंट और शेयर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। यानी मानसिक गणनाओं के द्वारा अगर प्रयोगात्मक ढंग से किसी समस्या को निष्पादन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? आपका स्मृति कौशल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन है रुचि और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने शारीरिक क्रियाशीलता। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा कि अगर मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित किया, समस्याओं का समाधान करना जो होता है वह आपका स्मृति कौशल के द्वारा संभव होता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा 2 से युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? पहला ऑप्शन है, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। दूसरा, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। तीसरा, भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है। फोर्थ है आपका, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो आपको एक अगर किसी बच्चे में भाषा का दोष मौजूद है तो आप उस सामान्य क्षेत्र की तुलना में उसको कैसा पाएंगे? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन देखिए, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, पहला ऑप्शन इसका दूसरे का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने जीन प्याजे, दूसरा है क्रू एंड क्रू और तीसरा ऑप्शन है हरलॉग, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने स्किनर। तो किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके जीवन का मूल आधार होती है, यह कथन आपका क्रू एंड क्रू द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। पहला ऑप्शन, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। दूसरा, तर्क संबंधी योग्यताओं का। नेक्स्ट है पठन संबंधी योग्यताओं का और फोर्थ है इन सभी का। तो जो आपकी किशोरावस्था के बाद जो तीव्र विकास होता है उसमें बच्चे की जो अमूर्त चिंतन यानी सोचने की जो क्षमता होती है उससे संबंधित आपके उसका विकास होता है, यानी चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। इसमें फोर्थ का ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों की मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत या पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पर ध्यान रखते हुए, जबकि आपका पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। दूसरा देखिए, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। तो आपका दूसरा पॉइंट भी सही है और आपको बताना है कि इनमें से सही नहीं है। तीसरा पॉइंट है आपका, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, यह पॉइंट आपका सही है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं उसमें हमें शिक्षक और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नहीं देखना है, हमें उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ से जो छात्र है उसके केंद्रित होकर सारी चीजों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोविज्ञान का आधार पर स्थापित हो, यह भी पॉइंट आपका सही है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से
पाठ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा वाला का जो कथन है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सेवाओं को ध्यान में रखना चाहिए, यह कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, दूसरा आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, दूसरा है सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी आपने 10 छात्र लिए और उनको आपने 10 उनके जो उनमें होने वाले विकास का आपने 3 माह तक अध्ययन किया, तो आप उनमें से क्या पाएंगे, यानी आप उनमें से क्या सत्य हो सकता है यह बताना है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सभी छात्रों में अलग अलग विकास होगा, तो सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, यह हम 3 माह बाद पता कर सकते हैं यह सत्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, यानी वह कौन सी अवस्था होती है वाइगोत्स्की के अनुसार जिसमें बच्चा साथी समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और फोर्थ है आपका भ्रूणावस्था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो आपकी किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा साथी समूह के सदस्य सक्रिय सदस्य के सक्रिय सदस्य हो जाता है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बात करता है या बोलता है, बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? यानी कोई बालक है वह बड़ों से या किसी भी प्रकार के बच्चे से तू तड़ाक बातचीत करता है, यानी उसका बात बोलने का जो भाषा शैली है वो ठीक नहीं है, तो आप क्या उपाय करेंगे? पहला ऑप्शन है बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, यह तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है बालक के माता पिता से प्रताड़ित करने के लिए कहेंगे, नहीं कह सकते, यह भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। बालक को समझाएंगे कि अपने बड़ों से आप कहा जाता है तथा साथ ही साथ भी आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, यह आपका पॉइंट सही बैठता है। फोर्थ देखिए, आप बालक को कहकर संबोधित करने लगेंगे, तो आपको इसमें से यह देखना है कि इनमें से आप क्या उपाय करेंगे। तो जब आप बालक के साथ बालक को ही आप कहकर संबोधित करने लगेंगे तो वह बच्चा भी सोचेगा कि जब इतना बड़ा मुझसे आप कहकर संबोधित कर रहा है तो मैं छोटा बड़ों के साथ मुझे भी आप कहकर संबोधित करना चाहिए, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने परिवार एवं पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है गांव एवं शहर, तीसरा है देश एवं राजनीति, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने परिवहन एवं संचार साधन। तो सामाजिक की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपका परिवार एवं पड़ोस होते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधिगम प्रक्रिया में अवप्रेरणा कार्य करती है। पहला ऑप्शन है इसके हिसाब से छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का काम करती है या प्रेरणा का कार्य करती है, दूसरा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का काम करती है या कार्य करती है, तीसरा ऑप्शन है आपके साथ छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का काम करती है, और फोर्थ है आपका छात्रों को एक ही दिशा में सोचने की योग्य बनाने का काम करती है। तो इसमें आपसे पूछा है कि अधिगम प्रक्रिया में जो मोटिवेशन होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है, तो यह छात्रों में रुचि का विकास करने का कार्य करता है, तो ऑप्शन तीसरा इसमें सही उत्तर होगा कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का अवप्रेरणा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, दूसरा इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, तीसरा ऑप्शन है इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने इससे समय की बचत होती है। यानी
आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसमें आपको जो बच्चे को किस प्रकार से पाठ्य वस्तु जो विषय वस्तु है उसको किस प्रकार से सरल तरीके से समझाया जा सके इस बात का जानकारी होना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर था इसका सही उत्तर होगा, इसे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी वह कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप, जो भी सिखाने के लिए कह रहे हैं तो आप उनको बच्चे के सामने ही करके या प्रस्तुत करके दिखाएं, तो यह आपका कौन सा सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। यानी वह कौन सा गुण है जो प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। विशाल शब्दकोश प्रतिभाशाली बालक की विशेषता या गुण होता है। सुस्त मानसिक क्रिया यह आपका बालक का गुण नहीं है, दूसरा पॉइंट क्रॉस होगा। तीसरा है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, बिल्कुल ठीक बात होती है। फोर्थ है दैनिक कार्यों में विभिन्नता, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से आपका प्रतिभाशाली का जो बालक का गुण नहीं है वह आपका है सुस्त मानसिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। पहला ऑप्शन है बहु प्रतिक्रिया का नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। तो इसमें आपको बताना है कि बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम कौन सा है। तो जो तत्पर जो बच्चे तत्पर होंगे किसी चीज को सीखने के लिए, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, तत्परता का नियम आवश्यक नियम है सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में दो छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे। पहला है ब्रेल लिपि, दूसरा है सामान्य लिपि, तीसरी है हिंदी की सामान्य लिपि, फोर्थ है ब्रह्म लिपि। जब दो छात्र आपकी कक्षा में नेत्रहीन हैं जो देखने में असमर्थ हैं, आप उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे जो कि आपके जो बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए लुईस ब्रेल द्वारा इस विधि का आविष्कार किया गया। इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही होगा ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 7 की कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टि बाधित छात्र है तो आप नीरज को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि माता पिता से उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता करने को कहेंगे। तीसरा है कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फोर्थ है कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हमें इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम एक समावेशी कक्षा के अंतर्गत एक कक्षा के अध्यापक हैं तो हमें उस छात्रा के साथ या छात्र के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना है और सर्व सीडी के माध्यम से उसे सहायता उपलब्ध करानी है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा, हम उसके साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि हम एक समावेशी कक्षा में हैं और उसमें हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन विधियों का हम प्रयोग अलग अलग कर सकते हैं बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। यानी प्रश्न कई प्रकार के होते हैं लेकिन आपने कोई प्रश्न पूछा है कि पौधे एवं जानवरों में कोई 4 अंतर बताइए तो यह किस प्रकार का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न या इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपके सामने और विकल्प दिए होते हैं कि 10 शब्द या 10 से 12 शब्द होते हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं और लघु उत्तरीय में आप कम से कम 4 से 5 लाइन लिखते हैं। तो आप वही है, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 4 अंतर बताने हैं तो कम से कम 4 या 5 लाइन में तो वो कम से कम आएंगे ही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संवेग संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 14 और फोर्थ ऑप्शन है 20। तो मैकडूवल द्वारा जो संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई गई है वो आपकी 14 बताई गई है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
प्याजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्ची अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। यह अयोग्यता के कारकों का परिणाम है, यानी जो आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने व्यक्तिगत कहानियां, फोर्थ तीसरा ऑप्शन है विचारों की परिवर्तनहीनता, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा कि विचारों में जो विचारों की जो परिवर्तनहीनता होती है उसके कारण उसमें यह अयोग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में 60 बच्चे जिनमें से 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप इन छात्रों को किस समूह में रखेंगे। यानी 60 बच्चे हैं, 60 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो आपकी 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे। प्रतिभाशाली छात्र हैं वे पिछड़े छात्र हैं, या फिर वे क्षीण बुद्धि वाले छात्र हैं, या फिर वे सृजनशील छात्र हैं, तो आप किस प्रकार की श्रेणी में रखेंगे। तो 70 से जो कम, रमन ने भी बताया कि जो 70 से कम जो बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो मंद बुद्धि या क्षीण बुद्धि वाले बालक होते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन में से किनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, ध्यान रखना है। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में की कौशल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल अभिरुचि एवं आवृत्ति। तो हमें छात्रों की सामाजिक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हमें जो छात्र की सामाजिक या आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है इसका हमें मूल्यांकन नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है आपके सामने समाज और संस्कृति पर, दूसरा है आपका समाज और विद्यालय पर, तीसरा है विद्यालय और शिक्षक पर, और फोर्थ है आपका अभिभावकों और शिक्षार्थी पर। तो जो आपका वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह आपका समाज और संस्कृति पर आधारित है, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है सुविधाओं की पर्याप्तता, दूसरा है उनका उच्च सामाजिक स्तर, तीसरा उनका मजबूत आर्थिक स्तर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सुविधाओं की अपर्याप्तता छात्राओं में शिक्षण के में आने वाली प्रमुख समस्या होती है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जीन प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रायिकता नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है, दूसरा है इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है, तीसरा है यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होती है, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने इस अवस्था में बालक तर्क संगता लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्रायिकता नैतिक अवस्था में जो होती है वह इस अवस्था में जो बालक होता है वह सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है समस्याओं को जटिल बनाना, दूसरा है संदेह को समाप्त करना, तीसरा ऑप्शन है आपका समस्या का समाधान करना, फोर्थ ऑप्शन है आपका संज्ञान का अंत करना। तो जो बालकों में चिंतन का और या तर्क का जो उद्देश्य होता है वह किसी भी समस्या का समाधान करना होता है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आपको इसमें बताना है मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है वह अक्षमता क्या होती है। क्या अफेजिया पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा है अग्रेफिया, और फोर्थ है आपका डिसग्राफिया। तो जो आपके मौखिक रूप से जैसे हम भाषा एवं संप्रेषण कौशल समय यानी कौशल से संबंधित जो हमारी व्यक्तित्व में
क्षमता होती है तो उसे हम अफेजा कहते हैं। इससे जो पीड़ित जो छात्र होते हैं वो मौखिक रूप से आपके सीखने या फिर विचारों को व्यक्त करने में या अपनी अभिव्यक्ति करने में थोड़ा कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम एवं सिद्धांत सीखता है। नेक्स्ट है आपके सामने, जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। नेक्स्ट है, जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है। और फोर्थ है, जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्रांति के साथ सीखता है। तो आपकी जो औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया होती है यह शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियमबद्ध तरीके से सीखता है। जैसे विद्यालय जो होते हैं वो आपके औपचारिक शिक्षण से संबंधित होते हैं, यहाँ पर एक अनुशासनात्मक शिक्षण कार्य चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया, व्यवहार बराबर कार्य व्यक्तित्व और वातावरण। तो आपने पहला ऑप्शन है आपके सामने टॉलमैन, दूसरा ऑप्शन है लेविन और तीसरा ऑप्शन है ड्यूवी और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने थार्नडाइक। तो यह सिद्धांत जो दिया गया वह आपका लेविन द्वारा दिया गया। इसमें आपसे यहाँ बताता चलूं, लेविन के सिद्धांत संबंधित, तो लेविन के अधिगम संबंध क्षेत्र का आधार जो होता है वह वातावरण में व्यक्ति की स्थिति है। और जो वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उसके उद्देश्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती हैं, यदि वह निराश होकर बैठ जाता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी संदर्भ में लेविन ने आपके सामने एक फॉर्मूला दिया था, बी इक्वल टू FP and E समीकरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। दूसरा, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है। और फोर्थ है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है वह स्वाभाविक वातावरण में ही संभव होती है, यानी अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो वह बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के अंतिम प्रश्न की ओर। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कोई 12 वर्ष का बालक है और वह 10 वर्ष के बालक की बराबरी सीख पा रहा है तो एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने, छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई न हो। दूसरा ऑप्शन है, छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दें। या थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, जब तक उसका ठीक से परीक्षण न कर लें उस लें कोई भी अंतिम निर्णय न लें। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानाचार्य को संस्तुति करें उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें। तो आपको करना क्या है इसके अंतर्गत आपको यह बताना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा, जब तक आप ठीक प्रकार से उसका परीक्षण न कर लें कि हाँ वास्तव में ही यह बच्चा जो है वह 12 वर्ष का है और 10 वर्ष की चीज 10 वर्ष की आयु वाली चीजों को सीख रहा है, तब उसके बाद ही आपको अंतिम निर्णय लें। तो इस आपका 3rd ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो यह था फ्रेंड्स आज के लिए, फिर कल अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।